प्रभात सारे बच्चों, पिछले कक्षा में मैंने आपको महाभारत की बाल महाभारत कथा का पहला पाठ पढ़ाया था। महाभारत कथा का सारांश मैंने बताया था, उसी का दूसरा पाठ है देवव्रत। आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आप लोग ऐसे टीवी में भी देखते होंगे, सीरियल भी देखते हैं, महाभारत की कथा को देखा होगा आपने, देवव्रत कौन था। तो जैसा कि मैं पिछले कक्षा में बताया था कि देवव्रत कौन है, देवव्रत तो महाराज शांतनु का पुत्र था देवव्रत, जो कि आगे चल करके इस पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस कथा की शुरुआत होगी इस पाठ की कि गंगा एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके अपने गंगा के तट पर विचरण कर रही थी, तभी शांतनु घूमते हुए उस सुंदर कन्या को देखा, जिससे वह बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने उसे कही मेरी एक शर्त है कि मैं जो भी करूं मेरी बात को मना ना किया जाए। मेरे तो जब उन्होंने गंगा माँ ने एक शर्त रखी कि मैं आपसे विवाह इस शर्त पर ही करूंगी, जब मेरे किसी कार्य में आप रुकावट नहीं बनेंगे, मुझे टोकेंगे नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तभी मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। शांतनु ने इस बात को स्वीकार कर लिया, दोनों के साथ विवाह हो गया। वे हस्तिनापुर दोनों आ गए और उस समय के बाद उन्होंने अपने पुत्र को एक पुत्र को जन्म दिया। गंगा ने पुत्र के जन्म के साथ ही उसे उठा करके गंगा में जाकर उसे फेंक दिया। इस प्रकार से वे क्रमबद्ध सात पुत्रों को जब फेंक दी तो शांतनु बेचैन सा हो गया कि यह कैसी माँ है जो माँ अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए संसार से लड़ने के लिए तत्पर रहती है। वह माँ अपने पुत्र की हत्यारी कैसे हो सकती है? यह निश्चित रूप से इस स्त्री का चरित्र अच्छा नहीं है, इसका ये माँ के बनने के योग्य नहीं है। यह बहुत सारी बातें उनके मन में आने लगी और उसके राज में हस्तिनापुर राज के जो जनता थी, उसके जो दरबारी थे, सभी में एक कौतूहल होने लगा कि कैसी माँ है जो अपने पुत्र की हत्या खुद कर रही है। तो अंत में जब आठवें पुत्र का जब जन्म हुआ, जैसी से उठा करके गंगा में फेंकने के लिए जाने लगी, तब शांतनु को नहीं रहा गया और उन्होंने उसे कहा, तुम कैसी माँ हो जो अपने पुत्र की खुद हत्या करती हो? तो उन्होंने कहा कि बस आपके शर्त के अनुसार मैंने पहले कहा था, जिस दिन आप मुझे रोक देंगे या हमारे कार्यों को रोक देंगे, उस दिन से मैं आपका साथ छोड़ दूंगी। और गंगा ने कहा कि मैं अब इस पुत्र को तो मैं गंगा में नहीं दूंगी, परंतु मैं अपने साथ इस पुत्र को अपने साथ इन पुत्रों को इस पुत्र को ले जाती हूँ और समय आने पर पुनः मैं वैसे वापस कर दूंगी। फिर वह अपने पुत्र को लेकर गंगा नदी में विलीन हो गई। फिर एक दिन जब शांतनु गंगा के तट पर शिकार खेलते हुए घूम रहे थे, तभी उन्हें एक गठीला युवक दिखाई दिया जो अपने बाणों की वर्षा से गंगा के अविरल धारा को अपने प्रचंड बाणों से रोक रहा था। तो उनके इस साहस को देख करके शांतनु अचंभित था कि यह युवा बालक कौन है जो अपनी प्रखर बाणों की शक्ति से गंगा की धारा अविरल धारा को रोक रहा है। तभी उसी समय गंगा प्रकट हुई और गंगा ने उनसे कही कि यह कोई और नहीं, आपका ही आठवां पुत्र देवव्रत है। इसे मैं लेके गया था, वह आज इस उम्र का हो गया है। यह वशिष्ठ का शिष्य भी है, वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की, शास्त्र का ज्ञान शुक्राचार्य से प्राप्त किया और परशुराम जी का भी यह शिष्य है। यह इसके मुकाबले
इसका मुकाबला परशुराम जैसे ही गुरु कर सकते हैं, अन्यथा संसार में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। यह पुत्र आपका है, आप इस पुत्र को स्वीकार करें। फिर उन्होंने शांतनु ने अपने पुत्र का दिव्रत का माथा चुमा और उन्हें अपने साथ हस्तिनापुर ले आया और गंगा पुनः गंगा नदी में विलीन हो गई। वही देवव्रत आगे चल करके विष्णु पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये दूसरे पाठ की सारा नहीं है। धन्यवाद।